हेलो एंड वेलकम बैक गाइस हमारे इस न्यू वीडियो में। ये वीडियो हमारा रहेगा डायनासोर्स पर कि हमारे पास कितने डायनासोर्स है इस गेम में, आर्क मोबाइल में हमारे पास कितने डायनासोर्स है, ये सब एक्सप्लेन करूंगा मैं इसमें। हमारे पास डायनासोर्स टोटल कुछ 35-36 है, लेकिन सब इधर नहीं है, तो पहले मैं सबको इधर बुलाना पड़ेगा। तो पहले मैं सबको बुला लेता हूँ। इधर आ गए हैं तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले डायनासोर। पहला डायनासोर है उसका नाम है ट्राइक, जो हमने ट्रेन किया था। पहला डायनासोर है और ये मतलब थैच लकड़िया और बेरिया से बहुत मस्त रहता है। और ये हमारे पास एक मेमोत है और हमारा ये पैरासोर है। सबसे पहला मैंने टेम किया था इस गेम में, जब मैं नया आया तो पहली बार ये टेम किया था, इसके बाद किया था ये ट्राइक। ये मेमोत, ये मेमोत मैंने यहाँ टेम नहीं किया। मेमोत में मैप के पूरे दूसरे कोने में गया था, जो लास्ट बेड आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर गया था, वहाँ जाके मैंने टेम किया था। एक ये और ये कि अपनी जो डायर वुल्फ है, ये डायर वुल्फ और ये हाँ आर्जेंटेविस भी वहीं से ही किया था शायद। हाँ तो ये है और ये लकड़ी बहुत मस्त इकट्ठा करते हैं, मतलब गजब। और बाद में है ये एग्वानोडोन, जो मैंने मतलब ऐसे ही मस्ती मस्ती में टेम कर लिया था। चलो अच्छा है, कर लेते हैं, मतलब पहले तब मेरे पास इतने सारे डायनासोर थे टेम। और उसके बाद हमने ये टेम किया था ये स्टेगो। ये स्टेगो मैंने तब टेम किया था जब मैं आइलैंड पर आया था। ये जो नया है ना आइलैंड, जहाँ पर हमारा बेस है, उस आइलैंड पर आया था तब मैंने ये टेम किया था। और ये उस टाइम का मतलब बीस्ट था, बहुत मस्त था, भेज रहे थे चले। और उसके बाद डायर वुल्फ वो तो बता दिया आपको, पौने में जाकर। और ये मैंने 3-4 टेम किए थे, मार दिए, ज़्यादा काम करते नहीं, मतलब काम के ऐसा नहीं है, काम के नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर कुछ इतना वो है नहीं, मैंने मार दिया। और ये फिर हमारा अर्जेंटेविस जो कि बहुत नाम का है, 2 टेम किए थे लेकिन एक तो मर गया, वो तो मैं आपको लास्ट में बता था कैसे मर गया। उसके बाद ये हमारा कार्गो एक्सपोई बोलता हूँ मैं तो, इसको बहुत अभी तक मेरे को कुछ काम आया नहीं है। अरे हाँ, मैंने इसको अंडे के लिए टेम किया था। इसके बाद हमारा ये हो गया सार्को, बहुत काम का है, 9 लेवल का है, बहुत मस्त, बहुत मज़ा आता है। पानी में स्पीड है बात नहीं, ये एबिलिटी बहुत बहुत मस्त। और ये भी घूमेगा देखो, वो बहुत मस्त, ये देखो, ये बहुत मज़ा आता है हालांकि देखने में। इसका स्पीड बहुत है लेकिन पानी में उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये हमारा क्या बोलते हैं फ्रॉग, इसका नाम तो मेरे को समझ नहीं आता, मैं फ्रॉग ही बोलता हूँ, बहुत मस्त है। इसको मैं सीमेंटिंग बेस्ट के लिए किया था, सीमेंटिंग बेस्ट, लेकिन वो उतना वो लगा नहीं मेरे को। और हाँ, एक ही रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन इसकी एबिलिटी बहुत मस्त है, ये कूदता बहुत मस्त, ये कूदेगा ना तुम देखते रह जाओगे, बहुत मस्त कूदता। ये 2 टाइम किए थे मैंने। और उसके बाद ही हमारा पेट्रानोडोन जो कि बहुत मस्त है, पेट्रानोडोन ट्रेनाडोन जो बोलो। और वो ये मेरे पास शायद 2-3 है, 3 नहीं 4 है। और मैंने इससे मतलब बच्चा भी निकाला था, वो समझ में आ रहा है ना, मतलब वो एक छोटा सा था, वो उसमें ना बहुत मस्त मज़ा आता है, मतलब उसमें उसका स्टेट बहुत अच्छा होता है, तो उसको मैंने टेम किया था। और इसके बाद तो ये हमारा ब्रॉन्टो जो कि मेरे पास था एक 8 लेवल का, लेकिन फिर ये 30 लेवल का मैंने देखा तो मेरा मन रहा नहीं गया, मैंने टेम कर लिया। मतलब ये भर भर के बेरीज देता है, थैच देता है, बेरीज तो ऐसे देता है, बात मत पूछो। ये अगर तुम्हारे पास है तो बेरी का कोई टेंशन ही नहीं है। और उसके बाद ये हमारे पास ये एंक्लो जो कि बहुत काम का है, मुझे लगता नहीं कि एंक्लो से अच्छा कोई मेटल देगा आप। और उसके बाद ये हमारा बिच्छू है जो कि मैंने बस एक ही चीज़ के लिए 2 टाइम किए थे, एक ही चीज़ के लिए, वो है अंडा। मेरे को उसके अंडे चाहिए थे लेकिन वो अब समझ में आया कि वो इतना कोई काम का है,
उसके बाद हमारा है बॉडीगार्ड, जो बहुत मस्त है, हमारे नाम मैंने बॉडीगार्ड देखा है। अभी इसके लिए एक और चीज़ बनाने वाला हूँ जिसका वीडियो आ जाएगा शायद से, वो वीडियो बनाऊंगा। इसका देखो एक एबिलिटी है बहुत मस्त, ये देखो चलता है बहुत, ये देखता है बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत मस्त लगता है। और देखो अकेले अकेले जो करता है ना उसका ही मैं नया अलग से बनाने वाला हूँ, देखते हैं। उसके बाद हमारा ये बेरी, तो ये मैंने टेम किया था, मैं ऐसे घूम रहा था तो मेरे को ये मिल गया, तो 30-35 लेवल का था, मैंने टेम कर लिया। ये इसका एक बहुत मस्त काम है, ये पानी में बहुत काम आता है। तो उसके बाद हमारा ये डिप्लो, जो कि एक 99 पे आके मेरे को उसने मार दिया, तो मैं उसको टेम नहीं कर पाया, तब मेरा बहुत लो लेवल था। स्टार्टिंग में डिप्लो बहुत काम आता है क्योंकि टेम करना इजी रहता है, बस आपको उसके पास पास रहना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप जब 20-25 लेवल हो तब ये कर लेना, तब ये बहुत काम की चीज़ है। ये भी बेरी थे, छोड़ो बहुत मस्त रहता है। ये एक है कि इसमें अलग अलग सीट दिए हुए हैं, आप 10-10 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हो, जबकि ट्राइप भी इतनी की नहीं होती, लेकिन हाँ इसमें तुम 10 को तो लेके ईजी बैठ सकते हो। सामने हमारा रेक्स, जिसको मैं टी रेक्स ही बोलता हूँ, ये बहुत डेंजर है। मैं टेम करने गया था एलोथोरस को, लेकिन एलोथोरस को टेम करने गया था, लेकिन तीन एक साथ थे तो उसने मैंने सबको मार दिया, मेरे पेट के मैंने सबको मार दिया। और एक ये था जिसको मैंने टेम कर लिया, इसका शेडर भी बन गया। अभी मैं जब रिकॉर्ड मतलब जब मैं एडिट कर रहा हूँ तब तो बन गया है इसका शेडर, मेरे को इसका ब्लूप्रिंट मिल गया है। आगे के वीडियो में देखने को मिल जाएगी। मैं 25 लेवल का था, 5 लेवल मैंने अप किए, तो बहुत मस्त है। ये सुना है कि ये मतलब मीट बहुत मत ज़्यादा इकट्ठा करता है, देखते हैं। तो इसके बाद ये बिच्छू का तो मैंने बता दिया कि टेम किया है। तो अब बात करते हैं एलोसोरस की, तो मैंने ये दो एलोसोरस एक ही चीज़ के लिए टेम किए, उसके अंडे के लिए। मेरे को उसका अंडा चाहिए, उससे बहुत मस्त पीपल बनता है जिससे हम ग्रिफिन टेम करेंगे। और ये ग्रिफिन अब तक तो मेरा ड्रीम ही है कि ग्रिफिन टेम करना, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी इसको मतलब अंडे के लिए क्या है कि मतलब बना के रखा है, जब उसको मन करेगा वो अंडा दे देगा। और ये हमारा इनोमिया, जो कि खातर के लिए बहुत काम आता है, मतलब ये दे इसमें सीमेंट और क्या बोलते हैं इसको, पोर्टेंडस का जो पेड़ है उसके लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत काम की चीज़ है। और इसका बाद ये हमारा डोइडो, क्योंकि बहुत मस्त है ये, मतलब ये सबसे पहला मैंने यही टेम किया था, और ये भी मैं जब वो गया था ना वहाँ पर तब टेम किया था, और ये तो अभी उसके बाद टेम किया था बहुत टाइम बाद, ये अच्छा लेवल का था तो ये कर लिया फिर मैंने। उसके बाद ये हमारा गेली ऊपर है, तो इसमें तो ये मतलब स्टोन बहुत इकट्ठा करता है, स्टोन के लिए मैंने किया था, बहुत मस्त स्टोन देता है। तो उसके बाद ये हमारा गेली गली, तुम जो भी बोलो मेरे को, मैंने बस को ऐसे टेम करा था, इसको भी अंडे के लिए टेम किया था मेरे को, लेकिन अभी मेरे को अंडे के लिए ना उतना लगता नहीं क्योंकि अंडे बहुत मिल जाते हैं अभी, बहुत आसानी से मिल जाते, पता नहीं था मेरे को कि इतना आसानी से अंडे मिल जाते हैं, तो इसलिए। और ये बात मुझे तब पता चले जब मैंने उसको टेम किया, अरे उसका टाइटन का शायद टिटानोबा उसका कुछ नाम है, वो एक सांप हम टेम नहीं करते, उसका अंडा ढूंढने के लिए गए, तब मेरे को पता चला कि अंडे बहुत ईजी मिल जाते। अभी हमारे पास 30, अभी हम बात करते हैं हमारे पास अर्जेंटेविस, हमारे पास एक 50 लेवल का अर्जेंटेविस था और एक वो था क्या बोलते हैं ओटर, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें थी इसमें, दो मेरे पास वो थे, वो मैंने वो गलती से मर गए, मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। हमारा टाइटन होता है ना जो टाइटनोसोरस 2,30,000 एयर्स वाला, तो उसको मैं टेम करने गया था, लेकिन मेरे को तब पता नहीं था उतना टेम करने के बारे में, अरे हाँ भूल गया, अभी देखा था, देखो मैंने पानी में भी टेम किया है ये अपना मछली, उसको मैं डोल्फिन बोलता हूँ, बहुत क्यूट है एक चीज़ जो भी है, मतलब मैं तो इसको डोल्फिन ही बोलता हूँ, ये पानी में बहुत स्पीड में भाग करता है। मेगलन डोन को भी टेम करना, लेकिन ये मेरे पास एक नहीं थी, ये जो डोल्फिन है मेरे पास एक नहीं थी, कम से कम कितनी पता है, 6 टेम किया था एक साथ, 6 को टेम किया था मैंने, सिर्फ ट्राई कर रहा था कि होते है कि नहीं, मतलब हो गया। और उसके बाद
मतलब ज़्यादा फिर मेरे को इतना वो लगा नहीं तो मैंने छोड़ दिया सीधा, ये एक केक रखा दिखाने के लिए कि नहीं हमारे पास ये भी है ऐसा। बाकी इसका काम तो ये अपना बेरी बहुत अच्छा कर देता है इसमें निकालने के लिए। अब वापस आते हैं ओटल वाली बात पे। तो जो ओटल है ना, ओटल और टाइटन, वो तो ये मतलब ओटल और अर्जेंटिस दोनों मर गए उधर। वो भी तो ओटल का ओटल मतलब वो ब्लैक पर्ल के लिए बहुत काम करे, तो देखते। और अभी ये अपना बॉडी गार्ड, उसका भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि वो उसको वेंडरिंग पर छोड़ने से क्या होता है। अलग से उसका वीडियो आएगा शायद से, अलग ही वीडियो बना के मैं डालूँगा। अगर अभी तक तो नहीं आया है, एडिट करता कर रहा हूँ तब तक तो नहीं बना है, और अगर जब जब अपलोड करूँ तब तक बनेगा तो अपलोड कर दूँगा। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये है हमारा घर का छोटा सा वो। ऐसे मैं हाँ एक और बता दूँ, मैं बेस भी चेंज करने वाला हूँ, बेस यहाँ नहीं रखने वाला, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा सोच ही नहीं सकते इससे इतना ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं ट्री सेप्ट है और ये सब बना रहा हूँ, देखते यहाँ तो नहीं रहूँगा। हाँ ये तो 100% है, क्योंकि मेरे को नहीं लगती अच्छा ये जगह, पहले लगती थी जब यहाँ पर कोई डाइनासोर्स नहीं थे मैं नूब था, लेकिन अब यहाँ पर रिसोर्स लाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर ये यहाँ हमें कुछ चाहिए, मान लो मेटल तो वैसे मिल जाता है, लेकिन कुछ डाइनो वाइनो चाहिए तो हमें बहुत दूर जाना है। उसके बाद ये पॉलीमर का जो फार्म है, पॉलीमर बहुत काम की चीज़ है, तो उसका भी फार्म बनाने वाला हूँ, ऑटोमेटिक फार्म जैसे बनाते हैं। मैंने उसका सब सीख लिया, अभी कुछ बनाने हैं तो दो वीडियो आपका कन्फर्म है, एक तो ये बॉडी गार्ड का और एक ये और ये टीरेक्स अंडा दे दिए। टीरेक्स का भी अंडा बहुत काम का है, ये देखो ये अंडा लाल कलर के अंडे के लिए मैंने दोनों टाइम किया था, लेकिन अभी मेरे को कुछ खास लगता नहीं है। अभी एक को तो शायद मार दूँ, और ये हमारे पास देखो इतने अंडे पड़े हुए। तो अभी सबसे पहले तो हम किबल बनाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। ओके तो ये वीडियो हम यहाँ तक ही रखते, बाकी जो दो वीडियो आने वाली है, अगर अभी तक तो नहीं रिकॉर्ड हुई है लेकिन हो जाएगी रिकॉर्ड, शायद 2 दिन में कर दूँगा रिकॉर्ड दोनों ही, तो उसको बाद में एडिट करके अगर आ जाएगी तो साथ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं तो हो गया। एक तो ये आएगा अपना बॉडीगार्ड का और ये के पॉलीमोर फार्म का, तो दोनों ही आएंगे। तो हमारा सोलो है तो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में मुश्किल हो रही है, आपको पता ही है सोलो कितना है। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, करना है तो मज़ा आया तो लाइक मत करो चलेगा, सब्सक्राइब तो कर ही दो, चलो इतना करो। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं इंस्टेंट आंसर दे दूँगा। आपको कुछ आता नहीं है तो सीखना है कुछ भी, चलो तो बाय।